सब्सक्राइब कीजिए टैग टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टैग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विक्की और आप देख रहे हैं टैक टू एडवांस। जैसे दोस्तों सभी जानते हैं, हर कोई अपने पीसी या लैपटॉप लेके हमेशा परेशान रहते हैं, चाहे आपके 4 GB RAM हो चाहे आप 8 GB RAM हो, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लेके कोई ना कोई इशू रहता ही है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि अपने पीसी और अपने लैपटॉप वगैरह कोई भी हो, आप जितनी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप उसकी स्पीड दुगनी कर सकते हैं। दोस्तों दो स्टेप फॉलो करने हैं आपको, नॉर्मल से ही हैं, जो कि अगर कंप्यूटर चलाते तो ईजिली आप कर सकते ही हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हमें कोई ना कोई अपने स्पीड टेस्ट जानने के लिए, अगर हम इंटरनेट की स्पीड अगर जानते हैं तो कोई ना कोई इसका ओखला या आपका नेट वगैरह पे जाकर सर्च करके उसकी स्पीड वगैरह चेक करते ही हैं। तो इसी तरह अपनी स्पीड हम अपने पीसी वगैरह लैपटॉप की पीसी भी कैसे स्पीड हम चेक करेंगे, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर जैसे होता है, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, जैसे कि आप डायरेक्टली गूगल पर जाके इसको सर्च करते ही आपका हमें मिल जाएगा। जैसे हमें आप बाय करना है, जैसे हर किसी बराबर अगर कोई ना कोई इस चीज़ का ऑनली वर्क करता ही हो तो बाय कर सकते हैं। वैसे अगर वन टाइम के लिए ही चाहिए होगा तो ऑनली हमसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें सिर्फ अभी नॉर्मली वन टाइम के लिए ही चाहिए तो इसे हम ऑनली लेटर कर देंगे। जैसे कि आप बाकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 प्रो है, 64 बिट पे चल रहा है, और HP का हमारा लैपटॉप है, आपका मॉडल नंबर है। ये मदरबोर्ड HP 8328 का है, जो हमारी रैम लगी हुई है 4 GB की रैम DDR4K HD RAM, जिसका मेगाहर्ट्ज़ आपका 1064 का है। वही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल i3 का प्रोसेसर है, 6th generation का, 1 processor 2 core 4 thread, स्काई लैक, बाकी इनका कोडिंग वगैरह जो होगी फ्रीक्वेंसी वगैरह यहाँ पे देख रखी है आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.0 की है। और बाकी ग्राफिक अगर बात करते हैं, जो हमारे पीसी या लैपटॉप वगैरह में ग्राफिक डाल रखा है वो कार्ड आपका है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी अभी आपका ये चेक करोगे स्पीड कितनी है तो आपका कम से कम आपका नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी आपका स्कोर वगैरह बताता है आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताएगा, आपको ये अपने वेब पेज पे ले जाके ही आपका स्कोर ही बताएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा जैसे कि सक्सेसफुली पूरा आपका रन हो चुका है। जैसे कि आपको मैंने बताया था सिंगल कोर हमारा दिखा रहा है 1983 का, और मल्टी कोर स्कोर दिखा रहा है आपका 3231 का। दोस्तों आइए इसके बाद हम ट्राई करेंगे, हम स्कोर जो भी है आपका इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपका पहले। दोस्तों आपने देख लिया, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब बाकी जो हम दो सेटिंग आपको बता रहा हूँ, इस सेटिंग के बाद आप देखते हैं कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस आपका सिंगल कोर और आपका मल्टी कोर में चेंजेस आता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अपनी स्पीड को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं 2 गुना तक। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों जैसे मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखते रहिएगा, बड़ी जल्दी आसानी से हम थोड़ी सी देर बाद ही अपनी स्पीड हम अपनी बहुत जल्दी इंक्रीज कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडो पे जाके सारे जितने हमारे ऐप्स वगैरह जो खुल जाती है, इसके बाद सबसे आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते ही आपको यहाँ पे विंडो एडिट टूल दिख रहा होगा, इसे टैप करेंगे। टैप करके यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर लिखा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर। राइट क्लिक करना है आपको,
यहाँ पे आपको रन एट एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको रन कर देना है इसको। एक पॉपअप विंडो हमारी यहीं से ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पॉपअप विंडो यहीं पे हमारी मॉनिटर हो रही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आके आपको डाटा कलेक्टर पर टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको आना है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड पे आ गया, यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करके न्यू डाटा कलेक्ट सेट। जैसे यहाँ पे आपका मुझे कुछ भी नाम रखना, जैसे यहाँ पे रख देते हैं सीपीयू नाम रख देते हैं इसका, सीपीयू रख दिया क्योंकि हमें रिकमेंडेड नहीं है, हमें क्योंकि खुद मैन्युअली करना है। तो हम क्रिएट मैन्युअली कर देंगे एडवांस में, इसे हमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे आके क्रिएट डाटा लॉग्स परफॉर्मेंस काउंटर इवेंट ट्रेस डाटा, तो हमें परफॉर्मेंस काउंटर पर टैप करना है। दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम आपको एज इट इज ऐसे ही करना है। जैसे आपने देखा टैप कर लिया तो हमें नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका बगल में आ रहा होगा ऐड का, कहीं वैसे ऐड कर देंगे। दोस्तों आपने जैसे देखा हमने यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो प्रोसेस पे आके हमें जैसे प्रोसेसर पे क्लिक करेंगे तो बाकी तो सारे आपको जो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखने लग जाएंगे। तो दोस्तों हर किसी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होता है, यहाँ पे किसी का यहाँ पे 3 या 4 जो भी हो, जितना भी इसमें हाईएस्ट वाला नंबर है उसे हम टैप पर टैप सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे हम ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ पे और आना है जिसका नाम है आपका प्रोसेस। जैसे कि आपने प्रोसेसर का तो कर लिया, प्रोसेसर पे टैप करके नीचे आना है। यहाँ पे आपके लिखा होगा 3D count, ये इसको भी हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे इसे हम ओके कर लेंगे। ओके करने का जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आ गया है, तो अभी हमें इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे अभी कुछ यहाँ पे कुछ भी आपको कुछ भी छेड़खानी करनी करना है, जैसा आप एज इट इज जैसे छोड़ देना है। सेव एंड क्लोज पे जाके यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है इसको। दोस्तों एक सेटिंग तो हमारी पूरी हो गई है, आपको हम दूसरी सेटिंग के बारे में आगे बताते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि हमने फर्स्ट सेटिंग बड़े आसान तरीके से आप लोगों ने करी ली होगी, अब सेकंड तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी एक ईजी मेथड है, बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को पूरा। बस ओनली आपको यहाँ पे विंडो आर दबाना है जो कि हमें रन करने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको विंडो पे जाके भी आपको चाहे मिल सकता है, शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है विंडो प्लस आर की। तो यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे आपको लिखना है एम, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एम एस सी ओ एन एफ आई जी। तो दोस्तों सिंपली इसे हमने लिखने के बाद यहाँ पे सिर्फ इसे ओके कर देना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पॉपअप विंडो खुल गया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें इसे बूट पे जाना है आपका। जैसे कि हमें देख रहे हैं यहाँ पे आपका एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 या आपका 16 तक भी हो सकता है, अलग अलग सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होता है आपका। तो हम जितना हाईएस्ट होगा वहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे इसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये आपके सामने आ गया है कि आपके पास एग्जिट विदाउट स्टार्ट और स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको पहली बताऊँ, कोई भी हम कॉन्फ़िगर कुछ भी हम सिस्टम है पीसी पे कुछ भी हम कॉन्फ़िगर बेस पे छेड़ते हैं तो उसे सिस्टम तक हम रिस्टार्ट नहीं करते हैं, या तो वो कोई चीज़ में जो इसमें अप्लाई की है अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि आपने साउंड भी देखा होगा, ड्राइवर वगैरह भी डालते हैं तो तब इसे रिस्टार्ट नहीं करेंगे तब इसे बारे में पता नहीं चलेगा हमने क्या किया है। तो दोस्तों आइए रिस्टार्ट इसे करते हैं। ठीक दोस्तों आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं हमने इसको दोबारा ही अपने जो हमने जिस सिस्टम में चेक किया था हमने पिछली स्पीड उसको दोबारा ही हमने दोबारा ऑन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोला था 1 time के लिए यहाँ पे लेटर कर दें, कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पहले वाले थी हमने स्क्रीनशॉट भी लिया था उस चीज़ का। तो दोस्तों दोबारा रन करके इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जी
डबल हो गया, जैसे कि आपको स्पीड के बारे में बताया था दोस्तों। स्ट्रिप को काफी स्ट्रिप जो आपको मैंने बताया मेथड काफी अच्छा है, अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी आपका स्लो चल रहा है उसको एक बार यूज करके देखिएगा, काफी अच्छा है। मैं जो इस चीज को यूज कर रहा हूँ, काफी चीजें चला रहा हूँ, काफी फास्ट चल रही है। तो दोस्तों अगर हमको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस तरह की लेटेस्ट न्यू टेक न्यूज इस तरह हम लाते रहेंगे। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।